कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज बात करेंगे खाद्य तेल के मार्केट के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों सीड के बाजार में आज क्या रेट चल रहा है, सोयाबीन के मार्केट में लोकल मिले जो हैं, जो ब्रांडेड हैं, ब्रांड हैं फॉर्च्यून ब्रांड है, बावर्ची ब्रांड है, यहाँ आज आपको क्या रेट देखने को मिल सकते हैं, विस्तार से आपको इस बारे में आज बताएंगे खबरों में आगे। इसलिए हमारे साथ आज आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले सोयाबीन सीड के बारे में बात कर लेते हैं। विदेशी मार्केट से खबरें आ रही हैं सोयाबीन के बाजार को लेकर। अर्जेंटीना में अत्यधिक बारिश की वजह से सीबीओटी सोयाबीन 1200 के पार पहुंच चुका है। विशेषक मान ये रहे हैं कि इस बारिश से अर्जेंटीना की सोया फसल को नुकसान हो सकता है। यूएसडीए 28 मार्च को अमेरिकी सोयाबीन बुआई और त्रैमासिक स्टॉक रिपोर्ट जारी कर सकता है। इस रिपोर्ट से पहले बाजार सतर्क रह सकता है क्योंकि इसमें अमेरिका की बुआई बढ़ के आने का अनुमान नजर आ रहा है। सोयाबीन के समर्थन और केएलसी की मजबूती की वजह से सोया तेल में तेजी के साथ कामकाज दर्ज किया गया। सीबीओटी सोया तेल मई अनुबंध 49.65 के रेजिस्टेंस के स्तर को पार कर गया। 49.65 के ऊपर बढ़ने पर सोया तेल अपनी बढ़त को 52.80 तक बढ़ा सकता है, जो कि एक अगला रेजिस्टेंस लेवल है। तो विदेशी मार्केट की बात रही है, विदेशी मार्केट में इस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सीबोट में अर्जेंटीना में सोयाबीन में इस तरह से कामकाज हो रहा है। अब बात करते हैं अगर घरेलू बाजार के बारे में, तो घरेलू बाजार जो है यहाँ पर उत्पादक मंडियों में हल्की सी नरमी बाजारों में दर्ज करी गई। बाजारों में शिकागो में आज हालांकि सोयाबीन सोया तेल और मिल्क के दाम कमजोर हैं। विदेशी मार्केट तो तेज है, व्यापारी मान रहे हैं घरेलू बाजार में इसके भाव में बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत ज्यादा मंदी आने का अनुमान नहीं है। दैनिक आवक अभी भी बराबर बनी हुई है, प्लांट इनको देखते हुए जरूरत के हिसाब से सोयाबीन में खरीदारी कर रहे हैं। अब रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो सोयाबीन के बाजार में महाराष्ट्र में लातूर में अरहम प्लांट का रेट 4630 है, ऑक्टिगन प्लांट कीमतें 4650 है, धनराज प्लांट का रेट 4825 चल रहा है, विजय प्लांट कीमतें 4700 है, धुलिया विंडिसान प्लांट का रेट 4625 है, नारेन में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में रेट 4610 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सोया ऑयल जो रिफाइंड प्लांट है यहाँ पर धुलिया में जो रेट है 1010 है, द्वातूर में धनराज प्लांट कीमतें 1000 रुपए देखी जा रही हैं, अमरावती में एग्रो प्लांट का रेट 1005 है, नागपुर में रुचि प्लांट कीमतें 1005 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरह से देखा जाए तो सोयाबीन प्लांट में प्रस्टीव प्लांट का रेट 4650 है, सावरिया प्लांट का रेट 4600 है, प्रस्टीव प्रकाश प्लांट कीमतें 4665 है, धनका प्लांट का रेट 4690 चल रहा है और महेश प्लांट में आप 4650 रुपए का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 990 है, अभी प्लांट कीमतें 900 रुपए देखी जा रही हैं। रुचि प्लांट का जो रेट है वो 1000 है, महेश प्लांट में आप 980 रुपए का बाजारों में आप यहां से रेट देखकर चल सकते हैं। तो सोयाबीन के मार्केट में तो इस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। विदेशी मार्केट आज तेज है, घरेलू मार्केट में सोयाबीन में बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी आने का तो अनुमान नहीं नजर आ रहा है। अब बात करेंगे खबरों में आगे कि किस तरह से आज बावर्ची ब्रांड में कारोबार देखा जा रहा है। वनस्पति सोया पामोलिन में लोकल जो मिल है आज यहाँ क्या रेट चल रहा है, क्या कीमतें चल रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, सरसों सीड में आज क्या कारोबार देखा जा रहा है, आपको इस बारे में विस्तार से आगे खबरों में जानकारी देंगे। मगर उससे पहले खाद्य तेल मार्केट संबंधित अगर आप मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के उतार चढ़ाव, ब्रांडेड कंपनियों में कैसे कारोबार देखा जा सकता है, इस चीज़ की अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे होने वाला मॉर्निंग में 9:30 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट खुलने से पहले मार्केट के बारे में जान सकते हैं और ज़्यादा मार्केट के बारे में और ज्यादा ज्यादा अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं। तो घरेलू मार्केट जो है यहाँ पर खाद्य तेल के दाम में 10 से लेकर 15 रुपए तक की हल्की सी आपको नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा नहीं जा रहा है। हालांकि मलेशिया में जून वायदा अनुबंध में पाम तेल के दाम 14 रिंगे तेज हुए हैं उल्टा, और इसके जो रेट है वो 4286 रिंगे प्रति लीटर के आसपास हो चुका है। वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों में हल्की तेजी और भी देखी जा सकती है, बड़ी तेजी आने के आसार कम है। घरेलू मार्केट पर भी आपको इस चीज का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं किस तरह से देखा जा रहा है कारोबार, तो घरेलू बाजार में आज बावर्ची ब्रांड के बारे में बात करेंगे। और कल हमने आपको बताया था कि मयूर ब्रांड में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, वनस्पति पामोलिन ने सोयाबीन में आज बावर्ची ब्रांड के बारे में बात करेंगे। दोनों ब्रांड की कीमतों में 30 से लेकर 40 रुपए तक का फर्क होता है। बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में रेट जो देखा जा रहा है 15 किलोग्राम में वो 1640 है,
पामलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1675 चल रही हैं। एक लीटर पामलिन में रेट आप 100 रुपए देकर चल सकते हैं। सोया ऑयल में जो रेट है 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में वो 1680 है। एक लीटर सोया ऑयल कीमतें 104 है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 17 चल रहा है। एक लीटर का रेट 120 फॉर्चून में आप देखकर चल सकते हैं। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइन में एक लीटर में रेट बाजारों में 98 रुपए है। पामलिन में एक लीटर का रेट बाजारों में 93 रुपए चल रहा है। बिनौला का जो रेट है वो 1000 आप देखकर चल सकते हैं। 10 किलोग्राम का रेट है। सनफ्लावर कीमतें 1020 है। ग्राउंडनट में रेट 10 किलोग्राम में 1500 रुपए चल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो राइस ब्रान में रेट बाजारों में 86 रुपए है। सोया ऑयल का रेट बाजारों में 103 है। सोया रियो कीमतें 101 है। मस्टर्ड में रेट बाजारों में 109 है। एक्सपो का रेट 107 है। पामलिन में आप 101 रुपए का बाजारों में यहाँ से आप रेट देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल घरेलू मार्केट में आप बावर्ची ब्रांड में भी बाजारों में बढ़त के साथ कामकाज देखा गया है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। घरेलू मार्केट में हल्की नरमी जरूर देखी जा रही है। अंत में बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। आज सरसों सीड में, सरसों तेल में और प्लांटों में क्या कीमतें चल रही हैं आपको इस बारे में बताएंगे। तो 50 रुपए तक सरसों जो प्लांट हैं इसके आपको आज के दिन दाम तेज देखने को मिल सकते हैं। तेल की मांग बढ़ने की वजह से, डिमांड अच्छी होने की वजह से सरसों में आज हल्का सुधार के साथ कारोबार देखा गया है। और तेल मिलों की मांग बढ़ने की वजह से कल के दिन बाजारों में हल्की सी रिकवरी आई थी। आज भी बाजारों में रिकवरी देखी जा रही है। रेट 5450 के आसपास जयपुर में हो चुके हैं। विदेशी मार्केट में कल के दिन तेजी के साथ कामकाज देखा गया था। हालांकि आज भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अधिकांश ब्रांडेड तेल कंपनियों ने सरसों की खरीद की कीमतों में 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी भी करी है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट में जयपुर में सरसों सीड में सबसे पहले 5500 का रेट है। दिल्ली कीमतें 5400 है। बरवाला का रेट 5200 है। ग्वालियर कीमतें 5100 देखी जा रही है। हिसार का जो रेट है बाजारों में वो 5200 है। गोलकोटा में आप बाजारों में यहाँ से रेट 5325 देकर चल सकते हैं सरसों सीड में। मस्टर्ड ऑयल जो है कच्ची घानी और एक्सप्लोर का जो रेट है वो भी आज बाजारों में बढ़ा हुआ है। तेज है बाजार यहाँ पर भी। जयपुर में रेट 1040 देखा जा रहा है मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में। दिल्ली कीमतें 1035 है। भरतपुर का रेट 1015 चल रहा है। कच्ची घानी में जयपुर में रेट 1050 है। कोटा में रेट 1040 है। भरतपुर का रेट 1040 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं 50 रुपए तक आपको यहां से आज प्लांटों में दाम बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सलोनी शमशाबाद जो प्लांट का रेट है वो 5900 है। 50 रुपए तक बढ़े हैं। यहाँ सलोनी डिग्नेर का रेट 5900 रुपए चल रहा है जहां पर भी 50 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में जो रेट है बाजारों में वो 5825 है जहां 50 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी कोटा का रेट 5800 है जहां पर भी 50 रुपए तक की आपको यहां से तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। उत्पादक राज्यों में इस वक्त मौसम साफ है। दैनिक जो आवक है उस पर भी आपको बाजारों में दबाव कीमतों पर देखने को मिल सकता है। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। किसान माल नहीं रोक रहे हैं। दैनिक आवकों को देखते हुए मिले भी जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। खपत का सीजन है। होली वगैरह के त्यौहार जो है वो काफी ज्यादा नजदीक है। रमजान भी चल रहा है तो डिमांड है सरसों के तेल की अच्छी खासी डिमांड है। लेकिन कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित बाजार पर निर्भर कर सकती है। ओवरऑल जो ट्रेंड है पूरे खाद्य तेल मार्केट में तेलों को लेकर, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, इनको लेकर तो मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव ही है। बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। हालांकि जो आवक आ रही है लगातार, जो फसल आ रही है, उस चीज का प्रेशर मार्केट में जरूर सीड पर बना रहेगा, सरसों सीड पर, सोयाबीन सीड पर बना रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें भी आपको लंबी चौड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक मिला जुला आप रुख देखकर चल सकते हैं। मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जरूरत के हिसाब से आप खाद्य तेल के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल मार्केट जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।